नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। आज शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ पवित्र नवरात्र का पर्व शुरू हो गया। भगवती दुर्गा की आराधना से जन कल्याण की नींव रखी जाती है। कोरोना गाइडलाइन के साथ इस बार दुर्गा पूजा के लिए बड़े बड़े पंडाल नहीं बनाए गए हैं। पटना जिला की सीमाओं पर कुल 40 चेकपोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व मतदान को प्रभावित करने के लिए शहर में प्रवेश नहीं कर सके। राजधानी पटना की सड़कों पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च कर जनता के बीच अमन का पैगाम और सभी शरारती तत्वों को चेतावनी भी दिया। इससे भयमुक्त होकर मतदान का भरोसा जगा है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 चुनावी सभाओं को संबोधित कर एनडीए का प्रचार करेंगे। यह चुनावी सभा 20-21 को होंगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन्हें कुछ भी अनुभव नहीं वह भी कर रहे हैं बयानबाजी। उन्होंने बिहार के चहुंमुखी विकास का दावा किया है। एक तरफ लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते अघाते नहीं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता यह कहते फिर रहे हैं कि चिराग पासवान जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कहा है कि वे लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा के लिए बिहार आएंगे। 23 अक्टूबर से उनका मिशन बिहार शुरू होगा। उसी दिन से अगले 4 दिनों तक पीएम बिहार में 12 चुनावी सभाओं को नीतीश कुमार के साथ ही संबोधित करेंगे। इधर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को लेकर बिहार में कांग्रेसियों की हलचल बढ़ने लगी है। 23 को ही राहुल गांधी पहली बार यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन को बताना होगा कि क्या वे जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं। जब उनकी पार्टी आतंकवादी तथा जिन्ना के समर्थक को इस चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब लाजमी है।